अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बता रही हूँ सेकेंड ईयर बॉटनी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड गाइड के किस तरह से तैयारी करनी थी, क्या पैटर्न था और क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, किस तरह से पेपर में आता है, क्या याद करना है, क्या लिखना है, वो सारी बातें हम जो है वो बॉटनी से रिलेटेड बात कर लेंगे। जैसे हमने जूलॉजी से रिलेटेड बात की थी, HSC पार्ट 2 बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची या सिंध बोर्ड के तहत जो प्रैक्टिकल्स हो रहे होते हैं उससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो जूलॉजी का प्रैक्टिकल था, मैंने आपको बताया था कि वो 7 मार्क्स का था और 7 मार्क्स थे बराबर 70 पॉइंट्स के, ठीक है। तो यानी कि जो 1 मार्क होता है वो 10 पॉइंट्स के बराबर जाता है, इस तरह से 7 मार्क्स 70 पॉइंट्स के बराबर थे। तो जो रिमेनिंग मार्क्स हो जाते हैं आउट ऑफ 15, यानी कि 8 मार्क्स वो जाते हैं बॉटनी के। ये हो गया जूलॉजी, ये हो गया बॉटनी, टोटल मिला के 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल पोर्शन होता है बायोलॉजी का, ठीक है। तो यहाँ पे 8 मार्क्स जो होते हैं इसी तरह से बराबर हो जाते हैं 80 पॉइंट्स के। सेम वही पैटर्न था जो कि उसके अंदर था, और यही होता है प्रैक्टिकल के, वही 2 आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल होता है, अक्सर उससे पहले ही हो जाता है 2 घंटे से, मतलब अलॉटेड टाइम जो होता है वो आपका 2 आवर्स होता है प्रैक्टिकल का, सही हो गया। उसके बाद जो है वो आपका जो 80 पॉइंट्स है उनको जो इसी तरह से 5 सवाल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्वेश्चन 1 जो होता है आपका वो 25 पॉइंट्स का होता है, क्वेश्चन 2 जो होता है वो आपका 20 पॉइंट्स का होता है, क्वेश्चन 3 15 पॉइंट्स का, और क्वेश्चन 4 और 5 दोनों 10 पॉइंट्स के होते हैं। इसी तरह से सेम होते हैं, क्वेश्चन 5 के अंदर क्वेश्चन 4 के अंदर वाइवा होता है, क्वेश्चन 5 के अंदर सर्टिफाइड जर्नल सबमिट कराना होता है, क्वेश्चन 3 स्पॉटिंग होता है जिस तरह से जूलॉजी के अंदर था। क्वेश्चन 1 और 2 का फर्क होता है, क्वेश्चन 1 के अंदर आपके पास क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्लांट्स हैं, हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, हेलोफाइट, जो भी उसकी जो भी एग्जांपल्स होती हैं, उसके जो भी स्पेसिमेन होते हैं, जो जिस कॉलेज में अवेलेबल होते हैं उस हिसाब से जो होते हैं वो उनको करवा रहे होते हैं कि हाइड्रोफाइट है, फॉर एग्जांपल टाइफा है, हाइड्रिला है, जो भी अवेलेबल है वो कॉलेज में परफॉर्म करवा रहे हैं, दिखा रहे हैं, या क्वेश्चन 1 जो होता है वो उनसे रिलेटेड होता है। बेसिकली करवा क्या रहे होते हैं, इसके अंदर आपको जो स्पेसिमेन दिया जाता है उस से रिलेटेड आपसे जो होती है वो परमानेंट सॉरी टेम्प्रेरी स्लाइड जो होती है वो प्रिपेयर करवाई जाती है। यानी कि जब आपने किसी ने कॉलेज में प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा तो उसने इनमें से सबकी जो है वो जो भी करवाई हैं आपको सारी करवाते भी नहीं है, ठीक है, कुछ ही करवाते हैं, वाली बात जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसकी स्लाइड आप प्रिपेयर करते हैं, उसका कट सेक्शन बनाते हैं, उसको स्लाइड में रखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर ये सारी चीज़ें आपने करनी होती है। तो एग्जाम के अंदर क्या होता है, एग्जाम के अंदर इसी तरह से आपने परफॉर्मेंस करनी होती है, ठीक है। आपके जो भी आपको स्पेसिमेन कराया उसकी लेबल डायग्राम है वो आप कर लेंगे, और इसके अलावा जो होती है इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर जब भी प्रैक्टिकल परफॉर्म कराते हैं हमेशा आपको बताते हैं कुछ इस तरह के पॉइंट जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें। यानी अगर वो आपको फॉर एग्जांपल हाइड्रिला की स्टेम लाके दे रहे हैं तो आपको बताएंगे कि इसको देख लो, उसको पहचान लो, उस तरह से स्टेम होती है, आपको एग्जाम के अंदर उसको पहचानना होगा। अगर तो कहीं परफॉर्मेंस हुई है तो ऑब्वियसली वो आपसे आइडेंटिफिकेशन वाली चीज़ जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। अगर नहीं हुई है किसी कॉलेज में परफॉर्मेंस, किसी ने नहीं ली है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर नहीं हुई है तो पॉसिबली आपको वो बता दें कि कौन सा स्पेसिमेन है। तो यानी आइडेंटिफिकेशन भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है क्वेश्चन 1 के अंदर, एक तरह की स्पॉटिंग ही हो गई है, यानी कि आपको आइडेंटिफाई करना है। पहले आपको पता होगा कि टाइफा का लीव है या हाइड्रिला का स्टेम है तो ही आप जो है वो उसको प्रिपेयर करेंगे, फिर आप उसको आगे उसका काम कर रहे होंगे कि आपने करना क्या होगा। तो सिंपली क्या है कि परफॉर्मेंस हो गई इसमें, सही, इसमें लेबल डायग्राम बना लिया आपने, आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफिकेशन का काम अगर आपको करके दे दिया, बता दिया ये स्पेसिमेन है, तो फिर ये काम आसान हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, तीसरी चीज़ क्या आ जाती है, ये जो आपके इस तरह से गिवन है करेक्टर्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनाटॉमिकल करेक्टर्स और इकोलॉजिकल करेक्टर्स आपको याद करने होते हैं। तो आपके जर्नल में गिवन है ये जो शुरू में गिवन है एनाटॉमिकल करेक्टर्स हैं और ये इसके इकोलॉजिकल करेक्टर्स होते हैं, ये सारे याद करने तो बेहतर है। कहीं पर स्पेसिफाई किया हुआ है कि सिर्फ ये वाले याद करने तो फिर आप यही कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। बाकी ये याद करना होगा, ये लिखना होगा, क्वेश्चन 1 के अंदर ये याद करना होगा, ये लिखना होगा, और आपके पास जो इससे एसोसिएटेड डायग्राम्स होती हैं उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, ये डायग्राम आपको बनानी होगी। जो भी आपको करवाया है ये वाली डायग्राम है, जो भी स्पेसिमेन आपको करवाए हैं ये करवाया है, जितने भी करवाए हैं 5 से 6 जितने भी हैं उन सबके आपने सर से सारे एनाटॉमिकल करेक्टर जितने भी याद कर, कम से कम तो 5 याद करके जाएँ, 4 से 5 मैं हमेशा बोलती हूँ कि याद करके जाएँ, ये कर लिए, और इकोलॉजिकल करेक्टर्स इनके सबके याद कर लिए क्वेश्चन 1 के अंदर। इसकी परफॉर्मेंस का तरीकेकार जो है वो यहाँ पे जर्नल में 7 में पहले पार्ट में ही गिवन भी है, ठीक है। तो यहाँ से आप पूरा पढ़ लें किस तरह से प्रिपेयर करना होता है, मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ, थोड़ा सा बता दूँ। होता क्या है कि आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेम ला के दी जाती है, तो स्टेम है या लीव है तो आपको उसको कट करना होता है, उसके कट सेक्शन बनाने होते हैं। उसके भी 2 तरीके होते हैं, एक चीज़ होती है इसका TS और एक होता है LS, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक स्टेम है तो उसको यूं कट करना जो होता है वो TS होता है या ट्रांसवर्स सेक्शन कहलाता है, और अगर उसको हम यूं कट कर रहे हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहलाता है। यानी कोई चीज़ है उसको आप यूं काट रहे हैं जिस तरह से सब्जी काटते हैं तो वो होती है इसके ट्रांसवर्स सेक्शन, अगर आप उसको यूं कट करें तो ये एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होती है। तो जिस तरह से
जो भी आपका गिवन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टीएस होता है यानी ट्रांसवर्स सेक्शन होता है हाइड्रिला स्टेम का, तो उसको यूँ काट के उसका स्पेसिमेन जो होता है स्लाइड पे रखते हैं, उसके ऊपर जो स्टेनिंग वगैरह होती है सारा प्रोसेस हम यहाँ से पढ़ लेंगे और फिर उसको जो है वो माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है, इस तरह से स्लाइड प्रिपेयर करवाते हैं। ये परफॉर्मेंस होती है, इसके मार्क्स होते हैं और आपको जो है वो उसके बाद इसके करेक्टर्स लिखने होते हैं। अगर कहीं पे परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो वो अलग बात है, बाकी ये है कि सवाल के अंदर ये चीज़ होती है, करवाते हैं मतलब, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लेंगे आपको जो भी करवाएं वो सारे आपने जो है वो उन सब की जो है वो प्रिपरेशन की तैयारी कर ली और उसकी लेबल डायग्राम की प्रैक्टिस कर ली, उसके एनाटॉमिकल करेक्टर्स इकोलॉजिकल करेक्टर्स याद कर लिए, आइडेंटिफिकेशन आपने जो है वो देख लेनी है कि आपने क्या करना है। अगर बता रहे हैं तो ठीक है, नहीं बता रहे तो फिर आपको जो है वो थोड़ा बहुत नेट से सर्च करना पड़ेगा कि किस तरह से किसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है, किस तरह से नज़र आता है, हाइड्रिला स्टेम कैसा है, टाइफा लीफ कैसा है, आपको खुद से ये चीज़ जो है वो देखनी पड़ेगी अगर नहीं बता रहे तो। और हाँ, एक और चीज़, अगर कोई सोच रहा है कि कट किस चीज़ से कटते हैं तो डाइसेक्शन का कोई टूल इसमें यूज़ नहीं होता, ना कोई नाइफ यूज़ होती है बल्कि ब्लेड यूज़ होता है। अगर किसी ने परफॉर्म नहीं किया हो तो मैं बता दूं कि आप एक अदर ब्लेड लेके जाएंगे प्रैक्टिकल में, अगर परफॉर्म करवा रहे हैं तो आपको ब्लेड से कट करना होता है। उसके बाद क्वेश्चन टू के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे ये तीन तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं, इसके अंदर आपको जो है थ्योरी प्रोसीजर याद करके लिखनी होती है, ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन सारी चीज़ें जनरल में गिवन है, ये सारी आपको याद करनी होती है और लिखनी होती है। ऑब्जर्वेशन का टेबल होता है, वो देखेंगे किस तरह से बना हुआ है, क्या चीज़ें हैं वो याद करना है उसको भी, बेसिकली इसमें सारी चीज़ें याद करने की है। कैलकुलेशन भी याद ही करके जाते हैं और रिजल्ट भी याद ही करके लिखना होता है, तो ये सारी चीज़ें याद करने की मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे ये आपके पास जो है वो सेक्शन थ्री के अंदर इस तरह से दिया हुआ होता है, सॉइल सैंपल फॉर एग्जांपल पहला एक्सपेरिमेंट है जो क्वेश्चन नंबर टू के अंदर आएगा, तो ये रही इसकी थ्योरी, ये रहा इसका प्रोसीजर, इसी पेज पे मतलब आगे ही या जहाँ पे भी गिवन है, तो ये इसका ऑब्जर्वेशन हो गया, इसी से रिलेटेड जो होती है वो जो भी कैलकुलेशन करवाते हैं कैलकुलेशन आपने याद कर ली, और ये रिजल्ट होता है, ये सारी चीज़ें याद करके लिखनी होती है। इसी तरह से आगे वाला प्रैक्टिकल भी है जो इस तरह से स्टडी करते हैं, प्लांट कम्युनिटी जो स्टडी कर रहे होते हैं उसके अंदर इसकी थ्योरी हो गई, प्रोसीजर हो गया, ऑब्जर्वेशन का पूरा टेबल है इसमें, मेरे ख्याल से ये वाली चीज़ें शायद आपको दे देते हैं। बाकी मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि इस प्रैक्टिकल में भी क्या करना है, पहले आप जनरल चीज़ें सुन लें, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे सारी कैलकुलेशन गिवन है, सारे फॉर्मूले गिवन है, सब कुछ आपको याद करके जाना होता है और इस तरह से फिर आपको ये चीज़ें वहाँ पे करनी होती है। इसी तरह से आगे वाला भी हो जाता है, हाइट वेरिएशन एंड हाइट वाला जो है इसके अंदर डिफरेंट परफॉर्मेंस होती है, इस तरह से इसका टेबल होता है, सारी चीज़ें जो आपको जर्नल में लिखी हुई मिल जाएंगी। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के ऊपर, स्पॉटिंग के ऊपर, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, तीन स्पॉट्स होते हैं, 15 मार्क्स का मतलब है कि हर स्पॉट जो है वो 5 पॉइंट्स का हो जाता है, सॉरी 15 पॉइंट्स। तो क्या होता है कि इसमें तीन स्पॉट है, कौन से किससे आएंगे, पहला स्पॉट जो होगा वो कोई परमानेंट स्लाइड होगी। जब भी ये क्वेश्चन वन आपको करवाते हैं कॉलेजेस वगैरह में, तो अक्सर जो होती है वो इसकी जो कॉलेज के अंदर अवेलेबल परमानेंट स्लाइड होती है वो लाजमी दिखाई जाती है। तो जो परमानेंट स्लाइड होती है वो इन्हीं में से किसी की होती है, आप इसके अलावा आपके जर्नल में गिवन भी होते हैं इसके करेक्टर्स, तो जिस तरह से यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जिस तरह से ये हैं, ठीक है। ये सारे प्लांट्स हैं जो भी आपको करवाए थे क्वेश्चन वन के अंदर उन्हीं के, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, मैं आपको दूसरा दिखा दूँ, ठीक है। जैसे कि ये है हाइड्रिला प्लांट है, तो ये आपने क्वेश्चन वन के अंदर भी इसकी टेम्प्रेरी स्लाइड बनाई थी और परमानेंट स्लाइड के अंदर भी, इस तरह से आपको एंड में जो है वो उसके करेक्टर्स लिखे हुए मिल जाए। तो अगर परमानेंट स्लाइड आती है यानी कि स्पॉट वन के अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर कोई स्लाइड आती है, तो वो पॉसिबली इन्हीं में से कोई एक हो सकती है और इस तरह से उसके करेक्टर्स जर्नल में लिखे हुए होते हैं, यही याद करके आपको फिर परमानेंट स्लाइड में जो होते हैं वो लिखने होते हैं। इस तरह से आपको सबके जो है वो लिखे हुए मिल जाएंगे जो भी आपको करवाए हैं सिर्फ वो, और इसकी कोई डायग्राम यहाँ पर नहीं बनवाई है, तो ऑब्वियसली इसकी कोई डायग्राम स्पॉटिंग के अंदर नहीं बनानी होगी। बाकी ये कि या तो परमानेंट स्लाइड आती है या तो यही कोई स्पेसिमेन क्वेश्चन वन से कोई स्पेसिमेन आपको उठा के दे देते हैं और उसी को जो है वो आपने आइडेंटिफाई करना होता है, यानी स्पॉटिंग में भी आता है क्वेश्चन नंबर वन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रिला की स्टेम है, तो या तो इसकी परमानेंट स्लाइड जो कॉलेज में होती है वो रखी होगी माइक्रोस्कोप में फर्स्ट स्पॉट के तौर पे, या फिर हाइड्रिला की स्टेम ही रखी हुई होगी और आपको आइडेंटिफाई करनी होगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन वन से डिफरेंट ही आएगा, अगर क्वेश्चन वन के अंदर आपकी हाइड्रिला की स्टेम आ रही है तो जाहिर सी बात है स्पॉटिंग के अंदर भी आपकी सेम चीज़ नहीं आएगी। अगर ये वाली चीज़ आ रही है परमानेंट स्लाइड नहीं आई, तो ऑब्वियसली कोई और स्पेसिमन यहाँ से होगा, तो यानी कि परमानेंट स्लाइड आ सकती है या फिर पूरा का पूरा स्पेसिमन फॉर एग्जांपल सनफ्लावर का स्टेम आ गया है, और फिर इसमें वही जो करेक्टर्स आप याद करते हैं यही वाले, इसमें से आप कोई से भी लिख दें, एनाटॉमिकल लिख दें या इकोलॉजिकल लिख दें, स्पॉटिंग में आपको जो भी याद आ रहे हैं 5 से 6 करेक्टर्स आपको फिर लिखने होंगे स्पॉट वन के अंदर। इसी तरह से दूसरा स्पॉट होता है, कोई भी सॉइल सैंपल होता है, सैंड क्ले लोम, ये भी आपके पास जो है वो गिवन है जर्नल में। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सबके करेक्टर्स यहाँ पे गिवन है, सारे आप याद कर लेंगे। अगर इस तरह से किसी के बहुत ज़्यादा बहुत बड़े लिखे हुए हैं या बहुत डिटेल में कुछ बताया हुआ है, तो उन सबको एक रीड दे दें, सारा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये जो 5 से 6 करेक्टर्स हैं आप बस किसी को याद करके चले जाएँ तो मेरे ख्याल से ये इनफ होगा, ठीक है। तो
वैसे तो अक्सर बता ही देते हैं, कॉलेजेस में जब करवा रहे होते हैं कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, कुछ भी याद नहीं रहता कौन सा क्ले है कौन सा सिल्ट है क्या है, तो ये भी जो है अक्सर स्पॉटिंग तो अक्सर सारी बता ही देते हैं, तो पॉसिबली वो आपको सैंड सॉइल सैंपल भी जो है वो बता दें। तो स्पॉट टू के अंदर या तो कोई सॉइल सैंपल आता है, या फिर अगर सॉइल सैंपल नहीं आ रहा तो पॉसिबली आपके पास कोई फिनोमेना आता है जिस तरह से आपके पास जर्नल में गिवन होगा, एंड में ही ये भी गिवन है ये, ठीक है। ये हो गया फोटो ट्रॉपिज्म का फिनोमेना हो सकता है, जियोट्रॉपिज्म का होता है, इसकी एज सच कोई स्पेसिमेन नहीं रखा होता, कोई चीज़ रखी भी नहीं होती, बस यही बता देते हैं कि फोटो उसका है जियोट्रॉपिज्म का है आपका स्पॉट टू या फोटो ट्रॉपिज्म का है, जाओ और इसके करेक्टर्स लिख लो। तो इस तरह से ये करेक्टर्स यहाँ पे आपके जर्नल में गिवन है, ये या आपने याद करने होंगे और स्पॉट टू के अंदर इनको लिखना होगा। इसी तरह से जो होती है वो स्पॉट थ्री के अंदर कोई भी स्टेज ऑफ माइटोसिस होती है, ये भी माइक्रोस्कोप के अंदर आपके पास जो होते हैं वो कुछ सेल्स फोकस होते हैं उसके अंदर आपको देखना होता है कि कौन सी स्टेज ऑफ माइटोसिस जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपके जर्नल में मेरे ख्याल से सेक्शन देख लीजिएगा कौन सा है, मिल जाएगा जर्नल के अंदर ही आपको, ठीक है। ये रहा इसके अंदर ये सारी चीज़ें, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जो इस तरह से माइटोसिस की स्टेजेस हैं जैसे प्रोफेज है इसके करेक्टर्स याद कर लिए, फिर ये है टीलोफेज एनाफेज, इन सबके जो है वो आपने करेक्टर्स याद कर लेने हैं, मेरे ख्याल से डायग्राम भी नहीं बनानी होती, बाकी जो माइक्रोस्कोप के अंदर जो होते हैं आपको इसी तरह से जो है वो नज़र आ रहे होते हैं ये सारे फेज स्टेजेस। अगर किसी को ये हो रहा है कि किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे तो आसान होता है आइडेंटिफाई करना, एक दफ़ा गूगल से इमेजेस सर्च कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक इमेजेस आप सर्च कर लें एनाफेज की टेलोफेज की मेटाफेज की जिसकी भी, और ये काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं वो आसान भी होते हैं देखना, बिल्कुल ऐसे ही नज़र आ रहे होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर भी, और नहीं समझ आ रहा फिर भी तो आप चाहें तो गूगल से इसकी इमेजेस सर्च करके देख सकते हैं। बाकी ये है कि आपको ये सारी चीज़ें याद करके लिखनी होंगी, और माइक्रोस्कोप के अंदर कोई एक ही होगी, या तो आपको ये वाली नज़र आ रही होगी, वैसे तो सेल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई एक स्टेज आपको स्पेसिफाई करके या तो नज़र आ रही होगी या फिर वो आपको बता देते हैं कि ये वाली स्टेज है ये लिखना है, ठीक है। इस तरह से जो होती है वो आपकी तीन स्पॉट्स हो जाती हैं, वही क्वेश्चन फोर के अंदर आपका वाइवा आ जाता है तो आपके जर्नल में पीछे गिवन है, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि ये सारा वाइवा होता है ये कर लेना, मेरे ख्याल से मोर देन इनफ होता है। अगर किसी को ये सवाल चाहिए हो तो मैं इसकी भी जो है स्कैन पिक्चर्स की एक फ़ाइल जो है वो उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें, सारे सवाल होते हैं वाइवा के लिए मोर देन इनफ होता है। तो ये हो गया पूरा आपका सेकेंड ईयर बॉटनी का सारा जो पैटर्न होता है किस तरह से क्या क्या करना होता है मैंने आपको बता दिया। मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन टू से रिलेटेड आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें करना किस तरह से था, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, बाकी तो आसान ही है आपको याद करके, सिर्फ जो है वो वहाँ पर आइडेंटिफाई करने वाला काम है सारा, ठीक है। जैसे आपके पास क्वेश्चन टू के अंदर पहला होता है वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सैंपल, तो इसके अंदर आप प्रोसीजर पढ़ेंगे, ये वाला तो बहुत ही आसान है, इसमें बस आपको जो होता है वेट निकालना होता है, वेट निकाल के आप इस तरह से उसकी डिफरेंट कैलकुलेशन लिखेंगे कि गार्डन लोम की जो उसके डिफरेंट सैंपल की कैलकुलेशन लिखी, इस तरह से फिर सैंड के आपने डिफरेंट सैंपल की कैलकुलेशन लिखी है। इसमें जो बेसिकली काम करना होता है वो आपको वेट निकालना होता है, ठीक है, वेट मेजर करना होता है। उसके बाद दूसरा ये वाला प्रैक्टिकल होता है जिसके अंदर जो होते हैं हम क्वाड्रेट्स को स्टडी कर रहे होते हैं, क्वाड्रेट्स में हम क्या करते हैं स्पेसिफिकली ये जो यहाँ पे गिवन होते हैं जर्नल में ये सारे जो प्लांट्स होते हैं इनको हम सब इन सब की जो है वो एक जगह इनको रख देते हैं, उसके बाद इन सबको रैंडमली अरेंज कर देते हैं, उनकी छोटी छोटी कॉलोनीज बना लेते हैं, स्पेसिफिक एरियाज बना लेते हैं जिनको हम छोटी छोटी कॉलोनी कह रहे होते हैं जो कि कॉर्डेट्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से जो होते हैं हमारे पास तकरीबन कोई पाँच हमें जो होते हैं इस तरह के कॉर्डेट बनाने होते हैं, तो ये सारा काम जो होता है वो बेसिकली ऑब्जर्वेशन का होता है कि आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वैसे तो आपको नहीं पता चला होता सारे तो एक ही जैसे नज़र आ रहे होते हैं, जैसे कैलोट्रोपस कौन सा है चिनोपोडियम कौन सा है ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको नहीं समझ आ रही होती, तो मेरे ख्याल से इसमें एज सच कुछ परफॉर्म वगैरह इसमें भी नहीं करना होता। इसमें क्या होगा आपको पॉसिबली ये जो सारे कॉर्डेट हैं ये सारे बता देंगे कि किसके अंदर कितने हैं, मतलब इस तरह से आपको बता देंगे कि फॉर एग्जांपल ये कॉर्डेट वन है तो उसके अंदर ये वाला जो है वो टू है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये वाला थ्री था ये वाला वन था, इस तरह से आपको ये वाला डेटा प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल डे वाले दिन तो एज सच कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होती, जब परफॉर्म करवा रहे होते हैं कॉलेज में तब मेरे ख्याल से आपको सिखाते हैं कि आपने इस तरह से देखना था, सर तब भी एज सच को समझ नहीं आ रहा होता, डायरेक्टली आपको यही चीज़ बता दी जाती है कि कॉर्डेंट है इसके अंदर इसके इतने लिख लें इसका इतना लिख लें इसका इतना नंबर लिख लें। उसके बाद आपको करना क्या होगा आपको यहाँ से सिंपल है बहुत आसान है कुछ भी नहीं है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ स्पीशीज इन ऑल कॉर्डेट्स, तो यहाँ से ये कितने थे टोटल इसको काउंट करने ही हो जाते हैं 11, ये लिख लिया। उसके बाद बताने टोटल नंबर ऑफ कॉर्डेंट्स इन विच अ स्पीशी अकर, तो यानी इसमें बस ये बताना था कितने कॉर्डेंट में ये वाली स्पीशी आई थी, तो ये मतलब फर्स्ट कॉर्डेंट कॉर्डेट के अंदर थी, थर्ड के अंदर थी, फोर्थ के अंदर थी, फिफ्थ के अंदर थी, यानी सिर्फ चार के अंदर थी, तो इस तरह से हमने लिख दिया चार। इसी तरह से इसका बता देंगे कि ये भी सिर्फ चार के अंदर थी और ये जो है वो पाँचों कॉर्डेंट में थी, ये वाला भी जो है वो पाँचों कॉर्डेंट के अंदर था, तो इस तरह से ये लिख दिया आपने। उसके बाद बस यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉर्डेंट्स बताने होते हैं जो कि होते ही पाँच हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल भी एज सच आप देखेंगे कोई मुश्किल नहीं है। फिर जब आप कैलकुलेशन पे आएंगे तो यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला लिखे हुए हैं जो कि बिल्कुल इन्हीं की
वैल्यूज से जो होते हैं डिफरेंट से बन रहे होते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो उस तरह से आपने याद कर लेना है, वैल्यू लिख लेनी है, सिंपल डिवाइड करना है। तो इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं था, ठीक है, सारा डेटा आपको प्रोवाइड कर देते हैं। इसी तरह से ये वेरिएशन इन हाइट वाला प्रैक्टिकल होता है, जिसके अंदर जो है वो जितने भी बच्चे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक बैच में जो है वो 20 बच्चे हैं, तो उन सबकी हाइट मेजर करते हैं, लोवेस्ट से हाईएस्ट के दरमियान की सारी वैल्यूज जो है वो हमसे लिखवा ली थी। उसके बाद जो है वो पूछा था कि फॉर एग्जांपल जैसे 60 है तो 60 इंचेस के कितने बच्चे हैं, फिर उसको काउंट कर लिया था। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल डे वाले दिन ऑब्वियसली आपसे परफॉर्म नहीं कराएंगे, आपको डायरेक्टली ये जो है वो डेटा बना के दे देंगे, ये सारा आपको सिर्फ यहाँ पर मेरे ख्याल से ये भी लिख के दे ही देंगे। इसके अंदर आपको सिर्फ जो है वो ये ग्राफ बनाना होगा, और ये ग्राफ बनाने का तरीका भी आपके जर्नल में गिवन है कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे क्या रखना है, एक्स एक्सिस पे क्या रखना है, वाई एक्सिस पे क्या रखना है। सिंपल रखेंगे, क्लास 8 में तो आपने ग्राफ बनाए होंगे, इतना तो आपको आता ही होगा कि किस तरह से जो है वो वैल्यूज रख के फिर उनको ग्राफ के ऊपर अलॉट करना है। सिर्फ ये आपने करना होगा, तरह से प्रॉपरली आपने ग्राफ की जो है वो ये बतानी होगी, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई पे क्या है, इस तरह से पूरा आपने प्रॉपर इसको करना होगा। कोई भी प्रैक्टिकल इतना मुश्किल नहीं है, आप एक दफ़ा अपने जर्नल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। यही तीन प्रैक्टिकल्स होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। आई होप के सारे क्वेश्चंस जो है वो सबको अच्छे से क्लियर होंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन हो अभी भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड तो कमेंट करके पूछ सकता है। सही है, थैंक यू।